नहीं लगता आपको? नहीं लगता, पक्की बात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे सेटअप पे एक नया परिंदा आने वाला है। टाइटल देख के तो आप समझ गए होंगे और मैं आपको बता देता हूँ, आज हम अपने सेटअप पे डक्स लेके आने वाले हैं। लेकिन वो डक्स कोई न्यू डक्स नहीं है, वो हम कुछ टाइम पहले ही अपने दूसरे सेटअप पे ले आए थे। तो आज उनको मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। और यार एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गई है कि उनके जो बाल है ना वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में क्या। और वीडियो के आखिर में हमारे जो रेगुलर कमेंट्स करने वाले भाई हैं, मैं उनका नाम लेके उनके कमेंट्स पे शो करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ भी छत पे आ गए हैं, अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना उनके लिए घर तैयार करना है। उसके बाद मैं डक्स को लेके आऊँगा और फिर हम उनके लिए एक पॉन्ड भी बनाएंगे, पॉन्ड के अंदर पानी डाल के उनको वहाँ पे छोड़ेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं, ये वाली जगह जो है ना सिलेक्ट हमने कर ली है। ये देखें आप, ये थोड़ा सा पिंजरा गंदा है, इसको साफ़ करना है अभी। और इतनी देर में जो है मैं डक्स लेके आता हूँ, फिर जो है ना हम अगला काम करते हैं। तो यार सबसे पहले जो है हम इसको यहाँ से उठा देते हैं, यहाँ से मैंने उठा दिया। अभी हम इस गंद को जो है ना साइड पर फेंक देते हैं। इसको बिल्कुल हमने साफ सुथरा करना है और उसके बाद हम इसके अंदर जो है ना डक्स को छोड़ेंगे। तो दोस्तों पहले इसके ऊपर से मैंने जितना भी कचरा था वो हटा के इसको मैंने पानी से धोया है। अभी हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं पिंजरे के अंदर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गंद बना हुआ है। इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम जो है ना इस गंद को साफ़ करेंगे। और हमारी मुर्गी जो ब्लैक है वो कुड़क हो गई है, तो उसको भी हमने अंडों के ऊपर बैठाना है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। इससे अगली वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। अभी हम ऐसा करते हैं ना, इसको यहाँ पर लगाते हैं ताकि जो है ना ये इसका जो फर्श होता है वो बन जाए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्श मैंने बना दिया। अभी इसको यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। आपको याद होगा ये पहले कबूतरों का केज हुआ करता था, अभी जो है ना इसके अंदर डक्स आ गई है। और यहाँ पे दोस्तों हमने दरवाज़ा लगा के ना नए हाई फ्लायर पिजन्स लेके आने हैं, बहुत ही ज़्यादा ये जगह रेडी हो गई है। अभी मैं डक्स को लेके आता हूँ और ये देखिए कबूतर उतर गया, हमारा गोला कबूतर उतर गया। और हाई फ्लायर पिजन वफादार कबूतर जो है ना अभी नीचे घूम रहा है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखानी थी, बहुत मज़े की चीज़ है, चलो अंदर आओ। काफ़ी टाइम से दोस्तों मैं सोचा था आपको बता दूं, एक छोटी सी गुड न्यूज़ समझ लें आप या बैड न्यूज़ समझ लें, क्योंकि दोनों सूरतों में हमारा ही फ़ायदा है। और चले मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा था लेकिन आज आपकी आंखों के सामने ये हमारी ब्राउन कबूतरी जो है ना ये ब्लैक कबूतर के साथ इसका पैर लग गया है माशाल्लाह। और ये दोनों हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। अभी देखें ये देखिए बोल रहा है कबूतर माशाल्लाह। तो इनका जो पैर है ना वो पक्का पक्का लग गया और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अंडे देने वाले। और वाइट कबूतरी थोड़ी सी बीमार हो गई थी तो वाइट कबूतरी को मैंने अलग कर दिया था, इसको मैं जो है ना मेडिसिन वगैरह देता था। अभी माशाल्लाह बिल्कुल ये रिकवर हो गई है। इसी वीडियो में आपने देखा होगा ये कितनी बीमार हुआ करती थी, मतलब आंखें नहीं खोल सकती थी, लेकिन अभी ये फुल रिकवर हो गई है और मार होगी। अभी मुझे लगता है इन दोनों का पैर लग जाना चाहिए, और इनका पैर तो लग ही गया है, तो बहुत जल्द इनके अंडे भी आने वाले हैं। और केज की मैंने फुल सफाई की है, आपको माशाल्लाह साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा। और ये बैठा हुआ है हमारा डायमंड, आ जाओ यार। डायमंड अब हैंड टाइम नहीं रहा, इसके पास जाओ ना ये उड़ जाता है। पहले बिल्कुल मेरे पास आता था, मेरे हाथ पे बैठ जाता था, लेकिन अब भी वो सीन नहीं रहा। और डब्स दिखा दूँ, हमारी डब्स जो है ऊपर बैठी हुई है माशाल्लाह पैर पूरा। और ये दोस्तों बिल्कुल जो है ना अंडों के ऊपर तैयार है, मैंने कल इनको देखा, ये माशाल्लाह क्रॉसिंग वगैरह कर रहे थे। तो कुछ ही दिनों में इनके अंडे आ जाएंगे और मेरे ख्याल से इस वाली जगह पर इन्होंने अंडे देने इस दफ़ा। तो ये जगह भी काफ़ी अच्छी है और सेफ है। और इसका बेबी मैं आपको दिखाता हूँ। और बेबी जो है ना माशाल्लाह, वो मुझे लग रहा था कल के वो फीडिंग नहीं करवा रहे, लेकिन आज मैंने देखा तो उनका जो बेबी का जो होता है ना क्या बोलते हैं मैदा, वो फुल है। तो वो सामने बैठा हुआ है बेबी हमारा, ये देखिए फुल फीडिंग इसको हुई हुई है और फुल माशाल्लाह से ये जो है ना तंदुरुस्त है। इंशाल्लाह जल्द ही उड़ने लग जाएगा और फिर जो है ना हमारे सेटअप में और ही प्यारा लगेगा, मतलब स्टेज में उड़ेगा कितना प्यारा लगेगा। अभी हम ऐसा करते हैं डक्स लेने जाते हैं, डक्स को मैं लेके आता हूँ अपने सेटअप में, फिर हम उनको यहाँ पे छोड़ते हैं। और आपको मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि मैं जो है ना अब हर वीडियो में जो अच्छे कमेंट्स होंगे, मतलब जो फर्स्ट कमेंट्स होंगे उनका नाम लेके बताया करूँगा वीडियो के आखिर में। तो इस वीडियो के आखिर में भी कुछ खुश नसीब लोगों के जो मैंने कमेंट्स हैं वो पिक किए हुए हैं और उनका नाम लेके जो है ना मैंने बताया हुआ है। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम ऐसा करते हैं डक्स लेने जाते हैं, फिर डक्स लेके आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों अभी हम इस आग के सेटअप पे आ चुके हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। दोस्तों मुझे डक्स की आवाज़ें बाहर से आने लग गई थी, तो माशाल्लाह हमारी डक्स ये घूम रही हैं, ये मैं आपको घर चल के दिखाता हूँ। और बाकी इनके जो यूनाफॉल्स हैं माशाल्लाह ये, और इनके कबूतर जो नए आए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने बाहर निकाले हुए हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। ये वाइट पेयर और ये रंगीन कबूतर जो हमारे सेटअप पे था अभी यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि ये इनका ही था और यही लेके आए थे। तो अभी ये जो देखें ये सामने वाइट पेयर है, और ये नए कबूतर कौन से लाए हैं? नए हम दो गोल्डन टेडी लाए और ये एक बेबी पिजन लाए हैं। ये माशाल्लाह यार ये हमारे डायमंड जैसा ही है बिल्कुल। हाँ लेकिन ये सेल्फ है अभी, ये मतलब जंगली कबूतर टाइप हो गया ये। अच्छा। आपने तो उसको अपने हाथ से खिलाया, हाथ से ही खिलाया था। और ये सामने जो इन्होंने हाई फ्लाई पिजन्स लेके आए हैं, ये भी बड़े प्यारे लगे मुझे। मेल बोर है, फीमेल बोर है। और रैबिट जो इन्होंने अपने अंदर शिफ्ट कर दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें यहाँ पे इन्होंने रैबिट्स को शिफ्ट कर दिया है। तो पता नहीं बाहर आई थिंक कबूतरों का सेटअप बनाना है, इसलिए रैबिट्स को इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो माशाल्लाह यहाँ भी काफ़ी खुश हैं और मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, क्योंकि ये जगह जो है ना बिल्कुल सेफ है अंदर। यहाँ पे ना बिल्ली का डर है ना किसी और जगह चीज़ का डर है। और सामने उन्होंने बाल्टी रखी है, तो अभी मैंने देखा था ये रैबिट फीमेल जो है ना बाल्टी के अंदर घुस रही थी और वहाँ पर जा रही थी। तो दोस्तों अभी हमने ऐसा करना है, हमने डक्स को उठाना है, अपने दूसरे सेटअप पे लेके जाना है। वहाँ पे जाके मैं इनके लिए घर बनाया हुआ है, पिंजरा रेडी किया हुआ है, उसके अंदर हम रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अभी हम डक्स को उठाते हैं, वो सामने पौंड में नहा रही हैं, उनका भी पकड़ते हैं और फिर चलते हैं हम अपने दूसरे सेटअप पे। तो दोस्तों मैंने अपनी डक्स जो है वो सेलेक्ट कर ली, अभी साग भाई इनको पकड़ते हैं। तो जल्दी से पकड़ो यार इनको। कौन सी पत्थर डाली है? वो डार्क वाली दो, ब्लैक वाली। डक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया आगे, बड़ी मुश्किल से मैंने कोई जुगाड़ लगाया है। अभी हम इसको लेके जाते हैं अपने सेटअप पे, बाइक में स्टार्ट करता हूँ। देखें दोस्तों बेबी डक्स इनको अलविदा करने आ गई है। चलो जी सर, चलो जी। तो दोस्तों हमारी डक्स आ चुकी हैं यार, बहुत गंदी हो गई हैं, और इनके मैं आपको पर भी दिखाता हूँ। अजीब और गरीब पहले इतनी क्यूट होती थी जब हम लेके आए थे, अभी जो है ना इतना इनकी शक्ल थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कितना ही ज़रा। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अच्छा दोस्तों डक्स जो है ना उनके पर उतरना शुरू हो गए, तो मैंने एक दोस्त था, मैंने उससे पूछा कि यार हमारी डक्स के साथ ही इशू है, उसके पर वगैरह उतरना शुरू हो गए। तो उसने मुझे बताया कि ये क्रीसिंग कर रही हैं, इनको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये बहुत जल्द पर उतार के फिर नए पर ले कर आएंगी तो और ज़्यादा प्यारी हो जाएंगी। अभी मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ डक्स को केस के अंदर। ये देख, हाँ ये चेक करो, नहीं लगता आपको? नहीं लगता, पक्की बात है। आपके सर पे बैठाऊँ ओ दोस्तों, सच में नहीं डरता यार, मैं होता तो मैं डर भी जाता, लेकिन ये नहीं डरता। तो ये देखें दोस्तों, इसकी ब्लैक दुम है और ये फुल वाइट डक है हमारी, दो हमारे पास वाइट हैं, दो ब्लैक है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारी ब्लैक डक, मेरे ख्याल से ये मेल है, मुझे मेल लग रहा है। ये देखें इसके पर चेक कर रहे हैं, कितने छोटे छोटे से पर हैं इसके, बहुत क्यूट है हमारी वाइट। ये देखें कितनी गंदी हो गई है दोस्तों, मतलब वहाँ पे कीचड़ में घुस घुस के ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। मैं आपको ये देखता हूँ, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। और ये हमारी आखिरी डक है, ये देखें, जाओ जाओ पकड़ के लाओ इसे, ये चेक करें माशाल्लाह दोस्तों, बड़ी प्यारी है। अभी हम ऐसा करते हैं कल इनको जो है ना हम ठीक से करके ना इसको शैम्पू के साथ में लाएंगे, और फिर जो है ना हम इसको दोबारा यहाँ पे छोड़ेंगे। और उनका जो पौंड है उसका मैंने इंतज़ाम कर लिया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इनका पौंड भी दिखाऊंगा, और आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से नहाती हैं, कैसे मस्तियाँ करती हैं, क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, सारा सेटअप इंशाल्लाह हम रेडी करेंगे। बहुत मज़ा आएगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ज़रा मैं आपको डक्स जो है वो करीब से दिखा देता हूँ, शायद आपने देखी नहीं होगी। ये देखिए ये हम बेबी लेके आए थे छोटे छोटे, अभी माशाल्लाह कितने बड़े हो चुके हैं, अभी शोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ से जो है ना इनको हम यहाँ पे लेके आए हैं, तो काफ़ी ये सैड हैं, इसके जो साथ वाले साथी थे वो भी इसके पीछे भाग के आ रहे थे। तो अभी माशाल्लाह दोस्तों ये कुछ ही दिन में यहाँ के आदि हो जाएंगे। उसके देखें ये पर वगैरह उतरने हैं ना, ये इसके पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि ये क्रीजिंग कर रहे हैं, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े होकर ना ब्रीडिंग वगैरह हमारे पास करेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ भी सेटअप रेडी होगा, छत पर भी रेडी होगा,
तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस बहुत मजे की होने वाली हैं। तो हमने डक्स को यहाँ पे छोड़ दिया है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कमेंट्स भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह। पकड़ो इसे, हाँ छोड़ो, वहाँ पे छोड़ो। रैंडम स्टफ ने कमेंट किया है, बजीस बेबी ग्रो फास्टी, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे पास अदनान आसिफ ने कमेंट किया, बटेर लेके आओ। इंशाल्लाह ब्रो बहुत जल्द हम बटेर लाने वाले हैं, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आतिफ शहजाद, माशाल्लाह जजाकल्ला, थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच, लव यू हो गया।